हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। ये भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम बात करते हैं। मान लिया कि हमारे पास में कुछ आवेश हैं जो अलग अलग प्रकृति के हैं। इस प्रकार से इन सभी आवेशों के कारण एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। मान लिया कि इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमारे पास में कोई आवेश है क्यू जीरो, जिसे हम परीक्षण धनावेश भी कहते हैं। इस आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश को हम इस रास्ते से भी ले जा सकते हैं, हम कुछ ऐसे भी ले जा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी ले जा सकते हैं। अर्थात इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में हमारे पास कई मार्ग हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, और इन सभी के द्वारा सभी रास्तों पर किया गया कार्य एक जैसा होगा। अर्थात आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य रास्ते पर या पथ पर निर्भर नहीं करता। तो विभवांतर क्या होगा? ऑब्वियसली हम बात करें तो इस परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात VB - VA = W / Q0। अब बाह्य बल कैसे? कि भाई यहां एक विद्युत क्षेत्र था या है, और इस आवेश को जब हम A से B तक लेके जाएंगे तो यह आवेश अपने आप तो जाएगा नहीं, हमें इसको यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के रूप में आ जाता है। विभवांतर का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम होता है। इस जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी इसका मात्रक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब एक वोल्ट की बात कर लेते हैं। क्या होगा यदि हमारे पास कार्य एक जूल और आवेश एक कूलाम हो? तो हमारे पास विभवांतर एक वोल्ट होगा। अर्थात इस परीक्षण धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो और आवेश का मात्रक एक कूलाम हो तो विभवांतर एक वोल्ट होगा। अर्थात एकांक एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य एक जूल हो तो विभवांतर एक वोल्ट होगा। ये अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की एक ऊंचाई है। हमारे पास यहां कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को हमें यहां लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है कि m द्रव्यमान की वस्तु अपने आप तो यहां तक जाएगी नहीं, हमें इसको यहां से उठा के यहां रखना पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं? इस चढ़ाई के विरुद्ध, यानी इस ढलान के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। हम इसको यहां लेके जाते हैं। अगर ये कुछ ऊंचाई है h, तो हमारे पास ये बिंदु a माने और ये बिंदु b माने, तो इसकी स्थिति ऊर्जा ub होगी और इसकी स्थिति ऊर्जा ua होगी। तो हमारे पास विभवांतर को हम VB - EA = UB - UA / Q0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? अर्थात हम यहां से भी एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि
एकांक परीक्षण धन आवेश को उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, जो ऊर्जा होती है, उसी को हम कहते हैं विभवांतर। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं विभव की। विभव क्या होगा? अब मान लिया कि हमारे पास ही में ये बिंदु A है, ये विद्युत क्षेत्र में न होकर के अनंत पर चला जाए, अर्थात बहुत बहुत दूर चला जाए। तो अब ये बिंदु कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। और इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जब हम लेके आएंगे, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य विभव कहलाएगा। अर्थात एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से यानी बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात V इज इक्वल टू ये VB माइनस V अनंत इज इक्वल टू W अपॉन में Q जीरो, अर्थात VB इज इक्वल टू W अपॉन में Q जीरो आ जाता है। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होगा। इसकी विमा निकाले, विमा हमारे पास में कार्य की विमा बटे में आवेश की विमा, कार्य की विमा M1 L2 T-2 और आवेश की विमा A1 और T1 होगी। तो हमारे पास इसकी विमा M1 L2 T-3 और A-1, इसकी विमा आ जाती है।